हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा फ्लिपकार्ट के ऊपर पर है। फ्लिपकार्ट पर आप किस तरीके से फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं और अपने ऑर्डर को, किसी भी ऑर्डर को जल्दी से जल्द डिलीवर कैसे करा सकते हैं, यानी कि कैसे पा सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना। उससे पहले एक छोटा सा काम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप लोग चैनल पर नहीं हो, ये चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट, ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि मैंने फास्ट डिलीवरी की बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की रखी है। तो उन वीडियो से ही रिलेटेड एक और तरीका आपके सामने लेके आया हूँ। सभी वीडियो का जो तरीका है आज की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे और आपको पूरी बात जो है कंफर्म कर देंगे। चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, कोई ऐसा एक ऑप्शन नहीं रहता कि जिस पर आप क्लिक कर दो और आपका ऑर्डर जो है बहुत जल्दी आपको मिल जाए, यानी कि फास्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि ये ऑनलाइन शॉपिंग है, कोई ऑफलाइन शॉपिंग नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ आ जाना है। आ जाने के बाद मान लीजिए आप ये मोबाइल ही परचेस करना चाहते हैं। अब ये मोबाइल आपको अर्जेंट है, यानी कि आपको केवल दो दिन में से चाहिए, और फ्लिपकार्ट की जो डेट डिलीवरी डेट रहती है वो मिनिमम 7 डे, यानी कि 7 डेज की रहती है। तो लेकिन आपको उससे पहले ही ऑर्डर चाहिए, और काफ़ी बार तो ये भी देखा जाता है कि आपका ऑर्डर आपको 10 दिन 15 दिन तक पर भी नहीं मिलता। तो यहाँ से आप पहले उसको सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी जड़ से ही बात करने वाले हैं। लेना चाहते हो तो सबसे पहले देखिए, आप ऑफलाइन में यदि लेने जाते तो इस मोबाइल की जितनी भी डिटेल्स हैं आप जो फ्लिपकार्ट में, ऐसा कोई नहीं बताता। उसके लिए आपको एक नीचे ऑप्शन यहाँ दिया जाता है, थोड़ा सा आप लोग नीचे आओगे ना तो एक नाम दिया रहता है सेलर का, सोल्डो बाय करके यहाँ पर आपको नाम दिख जाएगा, ये सेलर का नाम है। ये सेलर क्या है, जो इस मोबाइल को सेल कर रहा है, बेच रहा है फ्लिपकार्ट में, ये उसका नाम है। ये कंपनी का भी हो सकता है, किसी विशेष व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी दुकान का नाम भी हो सकता है। तो आपको इससे कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट जैसे ही कर लेते हो तो समझ लो आपने ऑफलाइन ही शॉपिंग कर ली। इससे आपको इसकी मोबाइल की डिटेल्स तो ठीक है पता चल ही जाएगी आपको, वो यहीं देखने को मिल जाती हैं ऊपर की साइड, लेकिन आपको इससे कॉन्टैक्ट करना है, इससे बोलना है, रिक्वेस्ट करना है कि हम इस ऑर्डर को बाय नाउ करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑर्डर जो है हमें 2 दिन के अंदर पर ही चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। थोड़ा सा इसकी रेटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हैं, इसकी दूरी तय कर सकते हैं कि आप जो है आपसे कितनी दूरी पर रहता है। ये हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, क्योंकि मेन पॉइंट हमारा सेलर ही है। जब तक आप लोग सेलर से कॉन्टैक्ट नहीं करोगे तो आपका ऑर्डर यकीनन मानिए कभी जो है जल्दी आपको नहीं मिलने वाला। इसकी दूरी वगैरह आपको देख लेना है, दूर रहता है तो समझ लो कि आपका ऑर्डर डिले हो सकता है, लेकिन कॉन्टैक्ट आपको ज़रूर करना है। उसके बाद सिंपल सा ऑर्डर बाय नाउ जैसा आप लोग करते हो ना, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपना ऑर्डर जो है बाय नाउ कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। यदि पिन कोड प्रॉब्लम होता है तो आपको वो भी चेक कर लेना है, वो सेलर पर ही देखने को मिल जाएगा, सेलर के कॉन्टैक्ट करने में। जैसा आप लोग बाय नाउ करते हो यहाँ से ऑर्डर को, जैसी प्रोसेसिंग रहती है आपको वो कर देना है। यहाँ पर देखिए, आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलता है, डिलीवरी एड्रेस। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि देखिए दोस्तों, आपने अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में अपना एड्रेस जो है गलत भरा है या गलत सबमिट किया है, तो प्लीज़ उसे एक बार चेक कर लेना, सही एड्रेस आपको फिल करना है, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि एड्रेस के द्वारा जो है आपका ऑर्डर डिले हो जाता है। आपको सही एड्रेस यहाँ फिल करना है, वो आपको आपके आधार कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। ये सब सही करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले आइकन पर क्लिक कर देना है यहाँ से। पर अब काफ़ी लोग कहते हैं कि जब ऑनलाइन पेमेंट करो तो ऑर्डर जल्दी आता है, कोई कहता है ऑफलाइन पेमेंट करो या कैश ऑन डिलीवरी करो तो ऑर्डर जल्दी आता है, तो ये मायने नहीं रखता। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप किसी भी प्रकार की कार्ड पर पेमेंट कर सकते हैं, कोई इस पर दिक्कत नहीं होगा, ऑर्डर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना करने के बाद आप अपने ऑर्डर को कन्फर्म कर देना, कन्फर्म करने के बाद बाय नाउ भी कर देना। उसके बाद लास्ट पर आपको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर पर कॉल कर लेना है। एक बार कॉल करते नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई रखी है, आप उन वीडियो को देखकर जो है कॉन्टैक्ट करना सीख जाओगे, बहुत सरल तरीका है। इतना उनसे भी रिक्वेस्ट करना है कि हमने इस ऑर्डर को बाय नाउ किया है, ये ऑर्डर हमें 2 दिन पर ही चाहिए, इससे ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो ये प्रेशर सीधे आपके सेलर के पास पड़ेगा, तो वो आपका ऑर्डर बहुत जल्दी आपको डिलीवर कराएगा। तो आई होप जो मैंने इस वीडियो पर आपको बताया, समझाया, आपको समझ पर आ गया होगा। यदि
इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ हेल्प मिली हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा ही कॉन्टेंट, ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिल जाती है। तो चलिए इस वीडियो पर तो इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।